नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कानपुर में मरीज के इलाज के दौरान सरकारी डॉक्टर पर लापरवाही का मामला सामने आया। कानपुर स्थित UHM हॉस्पिटल में तैनात सर्जन पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने पर डिप्टी CM व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने मामले पर संज्ञान लिया है। वहीं डिप्टी CM ने ऑपरेशन में लापरवाही की जाँच के आदेश दिए हैं। जाँच में दोषी मिलने की दशा में ठोस कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस के कई बड़े नेता रविवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप पांडे ने सभी नेताओं को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई है। वहीं आप में शामिल हुए सभी नेताओं का स्वागत करते हुए विधायक दिलीप पांडे ने कहा है कि दिल्ली सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर लोग लगातार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में शनिवार को माइंस और भू विज्ञान विभाग की एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद सरकार और विभाग सकते में आ गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में कुछ जगहों पर रेड की थी, लेकिन उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। ऐसे में उनकी हत्या किसने की, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस मामले में जांच अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। भारतीय सेना में कार्यरत महिला सैनिकों, सेलर्स और एयर वॉरियर्स को भी अब मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं इनमें महिला अग्निवीर भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि यह फैसला सेना में सभी महिलाओं की भागीदारी के अनुरूप है, फिर चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में 7 नवंबर को मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया है। इसके साथ ही प्रथम चरण में 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए दूर दराज के मतदान केंद्रों के मतदान दलों को रवाना किया गया है। इनमें कई मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। वहीं प्रथम चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2023 उम्मीदवार अपना भाग आजमा रहे हैं। ये थी आज की कुछ खास जानकारियां। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज के लिए।